आज मैं सिंधी रेसिपी बना रही हूँ। बहुत बार होता है कि एक ही तरह के खाने से हम बोर हो जाते हैं, फिर चाहे वो कितना ही टेस्टी क्यों ना बना हो पर हम उसे नहीं खाना पसंद करते। पर अगर हम घर के माहौल को खुशगवार बनाना चाहते हैं और अपनों के चेहरों पर छोटी सी स्माइल देखना चाहते हैं तो घर पर ही कुछ ऐसा बनाइए कि बच्चे बड़े आपको हमेशा याद करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी, तो चलिए बनाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शबीना। मैं आपका शबीना जी के किचन में वेलकम करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ दाल पकवान, जो पकोड़े भजिया चाट फिलोरी से ज्यादा टेस्टी होती है। दाल पकवान बनाने के लिए मैंने ली है 1 कप चना दाल। चना दाल में जो स्वाद और टेस्ट होता है वो तो कुछ अलग ही होता है, तभी तो इसकी दाल से लेकर तमाम तरह की डिश तैयार की जाती है। साथ में 1 कप मूंग दाल ली है। मूंग दाल सौंधी तो होती है पर ये हल्की फुल्की दाल है, इसे हाजमे और टेस्ट के लिए भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दाल पकवान में मूंग दाल, चना दाल, ये दोनों दाल जरूरी है। सबसे पहले हम इन दोनों दालों को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। दाल पकवान में हम जो दाल बनाएंगे आधा घंटा या 1 घंटे के लिए हम इसे भिगो देंगे। सिंधी लोग जो 5 घंटे भिगोते थे, क्योंकि कई घरों में कुकर यूज नहीं करते हैं, चूल्हे में जो खाना बनाते हैं वो टाइम और ईंधन को बचाने के लिए इसे 4 से 5 घंटे भिगोते थे। इसे हम आधा घंटा भिगोएंगे, फिर हम इसकी दाल बनाएंगे। आधा घंटे बाद दाल काफी अच्छी तरह से भीग चुकी है। इसे ऐसे दबाकर देखें, ये आराम से टूट रही है। अब हम इसे सीधे कुकर में डालेंगे। ढाई गिलास पानी डाल रहे हैं। और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और साथ में 2 हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आप काट के भी डाल सकते हैं, मैं साबुत डाल रही हूँ। मेरे बच्चे तीखा थोड़ा कम खाते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे। इस दाल में ज्यादा मसाले नहीं डाले जाते हैं, सादा ही ये दाल पकाई जाती है। कुकर को बंद करके 4 सीटी लगा लेंगे। एक खुला हुआ बर्तन लेंगे। पकवान के लिए हम आटा गूंदेंगे, उसमें 1 कटोरी मैदा डालेंगे। मैं मेरी फैमिली के हिसाब से बना रही हूँ, आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज्यादा सामान ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच अजवाइन लेंगे, उसे हाथों से क्रश कर लेंगे। आधा छोटा चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे। पकवान में अजवाइन इसलिए डाला जाता है, चना दाल थोड़ी भारी होती है, इससे जल्दी हजम हो जाएगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 3 से 4 छोटे चम्मच हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे ताकि ये क्रिस्पी बने। तेल को मैदे में अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि तेल सारे आटे में बराबर से मिल जाए और सारे पकवान क्रिस्पी बने। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर टाइट आटा लगा लेंगे। आटा हमें नरम नहीं गूंदना है, हमें डो बिल्कुल समोसे के डो की तरह ही लगाना है। ये देखिए, मैंने एकदम टाइट आटा लगा लिया है। इसे हम ऊपर से कवर कर देंगे और इसे साइड में रखेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 3 मिनट बाद हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ये तेल मैं पहले यूज कर चुकी हूँ। डो भी देख लेते हैं, ये भी अच्छी तरह से रेस्ट कर चुका है। इसे हम थोड़ा मसल लेंगे। फिर इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। अब एक पेड़े को हम बेलेंगे। हम इसे इस तरह से बेलेंगे जैसे हम पूड़ी बनाते हैं, बस उसी तरह से हमें बेल लेना है। बस पूड़ी से थोड़ा हम बड़ा बेलेंगे। पूड़ी बहुत छोटी छोटी बेली जाती है, ये उससे थोड़ा बड़े बनाए जाते हैं। अब इसे हम फोक की मदद से गोथ लेंगे ताकि ये फूले नहीं, क्रिस्पी बने। इसलिए हम इसे फोक से छेद करेंगे ताकि पकवान कुरकुरे और क्रिस्पी बने। ये देखिए, हमें सारे पकवान इसी तरह से बेल लेना है। तेल गरम हो चुका है, हम उसमें पकवान डाल देंगे और लो फ्लेम में इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। इसे हमें उलट पलट करके डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करना है।
जब देखे पकवान डार्क हो चुका है तो हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं पकवान हमें इसी तरह का चाहिए। अब इसी तरह से हम सारे पकवान फ्राई कर लेंगे और इसे किसी पेपर पर रखेंगे। सीधा हम इसे प्लेट में नहीं रखेंगे वरना ये नरम हो जाएंगे। और पकवान को गरम गरम एक दूसरे के ऊपर भी नहीं रखना है। जब वो ठंडा हो जाएगा तब आप इसको एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। पकवान फ्राई हो चुके हैं, अब हम दाल को देख लेते हैं। दाल भी गल चुकी है। इसे आप या तो चम्मच से दाल को बारीक कर लें या फिर इसे आप दाल घोटनी से घोट सकते हैं। दाल घोटनी हर घर में होती है, उससे दाल को मिला लें। दाल काफी अच्छी तरह से उबल चुकी है। दाल में हम तड़का लगाएंगे। एक पैन में हम आधा बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप बटर या देसी घी भी डाल सकते हैं। अब सबसे पहले तेल में हम चौथाई छोटा चम्मच हींग डालेंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा, एक हरी मिर्च जिसे हमने बारीक काटा है इसे भी डाल देंगे। गैस को बंद करके इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, उससे कलर और टेस्ट दोनों बढ़ जाएगा। अब ऊपर से इसमें धनिया पत्ती डालेंगे। दाल पकवान के लिए हम चटनी बनाएंगे। धनिया और हरी मिर्च इसमें डालेंगे, थोड़ी सी प्याज डालेंगे, एक छोटा चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे। आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैं चीनी डाल रही हूँ। आधा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच हम इसमें अमचूर पाउडर डाल रहे हैं। अगर आपके पास इमली या कच्चा आम हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। ये खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार होगी। आधा छोटा चम्मच इसमें हम काला नमक डालेंगे। तो ये लीजिए, चटनी हमने पीस ली है। मैंने 3 आलू को दाल के साथ ही धो के उबाल लिया था। इसके हम कचूमर तैयार करेंगे। इसे हम फोर्क से मैश कर लेंगे। आलू के ऊपर से हम चॉप की हुई प्याज डालेंगे। थोड़ी सी धनिया डालेंगे, मेरे पास धनिया थोड़ी कम है, आप धनिया ज्यादा डालना। एक हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक काटा है इसे भी हम डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक और चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे। अब इन सभी चीजों को हम आलू में मिक्स करेंगे। दाल पकवान को हम सर्व कर लेंगे। आप इसे बनाकर खाइए, आप भी इसके फैन हो जाएंगे। इसे बिल्कुल चाट की तरह सजाकर बनाकर खाते हैं। यकीन मानिए ये डिश बहुत बहुत टेस्टी बनती है, कमाल की ये रेसिपी है। तो लीजिए, तैयार है सिंधी दाल पकवान। एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खा पियो खुश रहो।